हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मैं हूं अमित, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद अमित का एक नया वीडियो। और आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपने टाइटल से देखा, 5G के बारे में। तो आजकल 5G काफ़ी हाइप में है एंड हॉट टॉपिक है, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना देता हूँ। एंड आपको बता दूँ मैं अपना बैकग्राउंड भी, कि मैं RF इंजीनियर हूँ, तो मैं उस एस्पेक्ट से भी आपको बता दूँगा। एंड मेरा काम ही है डिज़ाइनिंग का। मैं अभी US में डिज़ाइनिंग करता हूँ, US के नेटवर्क्स के लिए। तो 5G का भी मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, 4G का भी किया है, तो मैं उस एस्पेक्ट से आपको बता दूंगा। एंड बाकी जो भी डिटेल्स हैं जो आपको चाहिए होंगी, और आपको अगर 5G फ़ोन लेना है तो आपको क्या देखना है, ये सब मैं डिटेल्स आपको बताता हूँ इसमें। तो आप वीडियो में बने रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा इंस्टेंट नोटिफिकेशन के लिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं हम 5G के बारे में। एंड एक्चुअली 5G बहुत ही बड़ा वास्ट टॉपिक है, एंड इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। बट मैंने कुछ पॉइंट्स नोट कर लिए हैं, मैं आपको बता दूंगा, कि जिससे कि अगर आपका आरएफ का बैकग्राउंड नहीं है तो आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। एंड एक ब्रीफ आपको दे देता हूं बाकी जनरेशन्स के बारे में। जैसे कि 5G हमारा 5th जनरेशन है, ऐसे ही हमारा 1G, 2G, 3G, 4G आप सब यूज़ कर रहे होंगे। 4G हैंडसेट अभी आप यूज़ कर रहे होंगे मोस्टली। तो मैं आपको बता देता हूँ एक सीरियल वाइज कैसे है। फ्रेंड्स, 1980 में हमारा फर्स्ट जनरेशन लॉन्च हुआ था। फर्स्ट जनरेशन हम बोलते थे 1980s में। जो हमारा नेटवर्क था उसमें हमारे पास जो डेटा स्पीड्स थी, डेटा स्पीड नहीं बल्कि मैं कहूँगा वॉइस के लिए जो हमारे पास चैनल बैंडविड्थ थी वो 2.4 kbps की थी। एंड इसमें हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो एनालॉग थी। डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसी आज है वैसा नहीं था, एनालॉग टेक्नोलॉजी थी। एंड बेसिक वॉइस के लिए हम यूज़ करते थे उसको। एंड इसके बाद हमारा 1990s में 2G आया, जिसके हमारे 64 kbps की डेटा स्पीड थी। एंड इसमें हम GSM एंड CDMA इंट्रोड्यूस हुआ। एंड GSM एंड CDMA डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ इसमें आई, और इसमें आप वॉइस के साथ साथ MMS और नॉर्मल SMS भी कर सकते थे। एंड थोड़ी बहुत आपको 2G में डेटा भी आप सर्व कर सकते थे, वेबसाइट जैसे आप गूगल है, या बेसिक जो HTML पेजेस खोल सकते थे। तो वो बहुत ही बेसिक था। बट इसके बाद हमारा 3G लॉन्च हुआ, जो कि 2000 के आसपास आया था। एंड इसमें जो हमारी स्पीड्स थी वो 2 mbps थी। 3G के बाद फ्रेंड्स हम स्टार्टिंग में कुछ ऑपरेटर्स जैसे BSNL में आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते थे 3G पे। एंड इसमें जो आपकी डेटा स्पीड मैंने आपको जैसे बताया 2 mbps थी, जो कि आप अच्छे से सर्फ भी कर सकते थे। आज के हिसाब से तो नहीं, बट उस टाइम के हिसाब से, पहले के हिसाब से आप काफ़ी अच्छा सर्फिंग मिलने लगा था 3G में। एंड जो हमारे मल्टीमीडिया मैसेजेस थे वो काफ़ी आसानी से, काफ़ी बड़े मैसेज आप दे सकते थे, भेज सकते थे। एंड उस टाइम पे हमारा जो मोबाइल ब्रॉडबैंड की वो स्टार्टिंग थी, जो 2 mbps की मैक्सिमम स्पीड थी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा आता है 4G, जो कि आप सब लोग मोस्टली यूज़ कर रहे होंगे अपने फ़ोन्स में। एंड आप ये वीडियो भी शायद 4G पे ही देख रहे होंगे। तो 4G में जो हमारी मैक्सिमम स्पीड थी वो थी 100 mbps। तो 4G जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो है LTE पे बेस्ड, जो कि है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। तो प्राइमरीली जो 4G का डिज़ाइन हुआ था ये एक्चुअली डेटा के लिए डिज़ाइन हुआ था। एंड इसमें जो हमारी वॉइस कॉलिंग भी है वो भी डेटा के फॉर्म में जाती है। तो इसमें कोई वॉइस और डेटा का अलग अलग चैनल नहीं था प्रीवियस जनरेशन की तरह। तो इसमें आपका IP बेस्ड सर्विसेज थी, एंड मोबाइल ब्रॉडबैंड पूरा इवॉल्व हो चुका था इसमें। तो ये हमारा 4G का जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो है 4G नेटवर्क जो आप यूज़ कर रहे हैं। एंड इसमें 100 mbps तक की मैक्सिमम स्पीड है एक्चुअली। तो आप सब जानते हैं इंडिया में एवरेज स्पीड अराउंड 13 to 15 mbps है। सारे ऑपरेटर्स एंड सबके मिला के आप देखेंगे तो 13 से 15 आती है। कहीं पे आपको ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड 50 तक भी मिल जाती है, अगर आप डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पे हैं, कहाँ पे खड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे ही हमारा अब 5G की बात चल रही है, 5G का ऑक्शन हो रहा है। एंड कुछ बैंड्स का ऑक्शन ऑलरेडी हो चुका है इंडिया में। तो 5G आने वाला है। 5G की तो 5G में हमें 1 gbps से आपकी 2 gbps तक की प्रैक्टिकल स्पीड्स जो आपको मोबाइल पे देखने को मिलेगी। मैं लेकिन उसकी डिटेलिंग में जाऊंगा, डिटेल बताऊंगा आपको कि कितनी मिलेगी आपको इंडिया में, एंड वो कब मिलेगी एग्जैक्टली। तो 5G अभी बहुत ही बड़ा एक इंडिया के लिए, थोड़ा सा आप कहेंगे हाइप बहुत ज़्यादा है, बट आने वाले टाइम में आपको इतनी फास्ट स्पीड देखने को नहीं मिलेगी। वो मैं आपको आगे की डिटेल्स में बताऊंगा 5G के बारे में। तो 5G नेटवर्क जो हमारा है वो हाई स्पीड को सपोर्ट करता है, जैसे कि आप सब जानते हैं। एंड स्मार्ट होम को सपोर्ट करेगा। आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो IoT आपने सुना होगा नाम, तो IoT को सपोर्ट करेगा। IoT का मतलब यह है कि हर डिवाइस का अपना एक IP एड्रेस होगा, एंड वो डायरेक्टली लिंक्ड होगा नेटवर्क से। एंड 5G की मेन ये खास बात है कि वो मल्टीपल डिवाइसेस, एक्चुअली बहुत सारे डिवाइसेस एक साथ लिंक कर सकता है एक नेटवर्क पे। इस टेक्नोलॉजी को हम माइमो भी कहते हैं, स्पैटियल माइमो जो होता है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो 5G का फ्रेंड्स जो हमारा जो बेसिक जो इंडिया में और बाकी जगह जो 5G दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंड जो आपने सुना होगा कि एक सेकंड में मूवी डाउनलोड हो गई, एक सेकंड में आपका एक GB की फ़ाइल एक सेकंड में डाउनलोड हो गई, तो वो जो 5G है वो एक्चुअली mmWave टेक्नोलॉजी है। 5G इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, एक हमारा है FR1 एंड एक है FR2। FR का मतलब है फ्रीक्वेंसी रेंज, तो फ्रीक्वेंसी रेंज के बेसिस पे फ्रेंड्स इसको डिवाइड किया गया है FR1 और FR2 में। तो जो अभी हम इंडिया में 5G आप रिसेंटली देखने वाले हैं, जिसकी ऑलरेडी टेस्टिंग हमारे जो मेट्रो सिटीज़ हैं जैसे कि पुणे है, गुड़गांव है, ऑलरेडी टेस्टिंग हो रही है एंड इसका प्रैक्टिकल नेटवर्क पे टेस्टिंग चल रही है, लोग यूज़ भी कर रहे हैं इसको। तो वो है हमारा FR1। FR1 का मतलब ये है कि जो हमारा सब 6 GHz का बैंड है, 6000 MHz मतलब 6 GHz से जो नीचे की फ्रीक्वेंसीज़ हैं उस पर जो आपको 5G नेटवर्क मिलेगा वो है सब 6 GHz जो FR1 के अंदर आता है। एंड FR2 जो हमारा mmWave टेक्नोलॉजी है, mmWave जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी 24 GHz से ऊपर का जो बैंड है 24 to 28 एंड 32 to 36, ऐसे ही 40 GHz बैंड भी है एंड अप टू 50 GHz बैंड है, जो कि US में ऑलरेडी डिप्लॉय हो रहा है एंड हम लोग भी उस पर काम कर रहे हैं। तो वो अभी इंडिया में आने में एक्चुअली टाइम लगेगा। एंड जो असली 5G आप अगर मुझसे पूछेंगे तो जो रियलिटी में आपको 5G की जो स्पीड्स जो बताई जाती हैं, जैसा कि मार्केट में जो हाइप क्रिएटेड है, वो आपको तभी मिलेगा जब mmWave टेक्नोलॉजी हमारे कंट्री में डिप्लॉय की जाएगी। एंड mmWave की अपनी लिमिटेशंस है, वो मैं आपको बताता हूँ आगे। तो आगे मैं अगर बात करूँ इसके बारे में तो हमारा जो FR1 बैंड का मैंने आपको बताया था, तो ये हमारा 3.2 जो इंडिया में हमें मोस्टली डिप्लॉय, जो मैंने अभी सोर्सेज से देखा है, तो वो जो इंडिया में डिप्लॉय होगा वो हमारा n78 बैंड होगा, जिसकी हमारी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 3.3 टू 4.2 GHz है एंड इसकी जो बैंडविड्थ, चैनल की जो बैंडविड्थ है वो 100 MHz है। एंड जो इंडिया में आपका जो बाद में आएगा mmWave टेक्नोलॉजी, वो 24 टू 28 GHz का बैंड है, n258 बैंड है, ऐसे ही n259 भी बैंड है, तो उसकी जो आपकी चैनल बैंडविड्थ होती है वो 50 टू 400 तक जाती है मेगाहर्ट्ज़। एंड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया फ्रेंड्स। और 5G की एक और ख़ास बात है, इसमें आपको बहुत ही लो लेटेंसी मिलेगी। तो जैसे कि आपको मैं एग्जांपल लेके बता देता हूँ कि जैसे अभी हम 4G यूज़ कर रहे हैं, तो 4G की हमारी लेटेंसी है अप टू 200 मिलीसेकेंड्स एंड 5G में आपको ओनली 1 मिलीसेकेंड की लेटेंसी मिलेगी। जो प्रॉपर 5G होगा, जो mmWave पे मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर केवल 1 ms की मिलेगी। समझ लीजिए आपकी कितना फास्ट होगा। एंड जितनी लेटेंसी कम होती है उतना ही बढ़िया नेटवर्क होता है। जैसे कि आप गेम खेल रहे हैं, आप PUBG खेल रहे हैं, कोई भी गेम खेल रहे हैं, उसमें आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा कि जैसे आपके वो सर्वर पे नहीं चल रहा, आपके डिवाइस में ही सारी चीज़ें चल रही हैं, सारे प्लेयर्स आपके डिवाइस में ही खेल रहे हैं, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड IoT में भी ये चीज़ें काम आएंगी कि आप कहीं पर भी होंगे, आप अपनी गाड़ी का AC ऑन कर सकते हैं। एंड गाड़ी भी आपकी, अभी जैसे गाड़ी आपकी कनेक्टेड रहती है, कनेक्टेड कार्स ऑलरेडी आ चुकी हैं इंडिया में, तो आने वाले टाइम में ऐसी बहुत सारी, मतलब जो भी गाड़ी आपकी लॉन्च होंगी वो सब कनेक्टेड रहेंगी, आपके सारे अप्लायंसेस कनेक्टेड रहेंगे, आप कहीं पे भी रहेंगे अपने घर को पूरा मॉनिटर कर सकते हैं, CCTV आपका कनेक्टेड रहेगा, सब कुछ सारी चीज़ें कनेक्शन IP बेस्ड होंगी, तो सबकी अपनी एक आइडेंटिटी होगी। जैसे आप समझ लीजिए कि अपना आधार कार्ड है जैसा, वैसे ही सबका आधार कार्ड IP हो जाएगा, तो हर आदमी की हर चीज़ की एक IP होगी, और जिसको कि आप रिमोटली कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे आप US में हो, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे कहीं पे भी हो। तो ये आपका देख सकते हैं आप, ये हमारा है। अब मैं आपको बात करता हूँ 5G के जो 3 मेजर बैंड्स हैं, जो एक लो बैंड है, एक मिड बैंड है और एक mmWave है। तो मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में, अभी बीच में मैंने आपको बताया था कि इंडिया में आप इतनी हाई स्पीड अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 4G में, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो हमारा वर्ल्ड का एवरेज है 4G की स्पीड्स का, वो 25 to 30 Mbps है एंड इंडिया में आपका 13 to 15 Mbps है, जो कि पूरे वर्ल्ड का जो एवरेज हमारी डाउनलोड स्पीड है उससे जस्ट हाफ मान सकते हैं। तो उसके बेसिस पे अगर मैं देखूं तो उतनी स्पीड्स आपको इंडिया में नहीं मिलेंगी, क्योंकि इंडिया में लिमिटेशंस हैं बहुत सारी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है एंड रिसोर्सेज कम हैं उसके हिसाब से, तो बजट भी कम रहता है इंडिया में अगर आप US से कंपेयर करेंगे, तो इस वजह से आपको उतनी फास्ट स्पीड्स तो नहीं मिल पाएंगी देखने के लिए, बट हाँ 4G से फास्ट स्पीड ज़रूर मिलेंगी। एंड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बैंड्स जो हैं इसके, तो लो बैंड, मिड बैंड एंड mmWave। तो mmWave, लो बैंड और मिड बैंड जो हैं वो आपके सब 6 GHz वाला जो बैंड है उसी में आते हैं, वो दो पार्ट में डिवाइड है। जो आपका 1 GHz से बिलो जो बैंड है, जो 1 GHz से नीचे की जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं जैसे 700 MHz, 800 MHz, ये आपकी लो बैंड है, जो कि हमें बहुत ही आपको डेटा, मतलब ये इसमें आप समझ लीजिए कि 4G से बहुत माइनर आपको अच्छी स्पीड्स मिल जाएंगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, लेटेंसी कम है, तो 4G से कुछ माइनर आपको अपग्रेड मिल जाएगा, बट वो इतना माइनर होगा कि आप नोटिस भी नहीं कर पाएंगे, जो लो बैंड है। जो हमारा जो मिड बैंड है, जो कि हमारा मोस्टली डिप्लॉय होगा इंडिया में, तो जो मिड बैंड है आपका वो 3.2 टू 3.6 गीगाहर्ट्ज़ है, मतलब 3200 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 3600 मेगाहर्ट्ज़, जिसमें मोस्टली डिप्लॉयमेंट इंडिया में और बाकी वर्ल्ड में भी सबसे ज़्यादा यही बैंड यूज़ होगा। इस बैंड की खास बात यह है फ्रेंड्स कि इसमें आपको कवरेज के साथ साथ आपको जो स्पीड्स हैं, जो क्वालिटी है, वो भी बहुत बढ़िया मिलने वाली है। तो इस वजह से क्या होगा, ये आपको लगेगा कि हाँ, फील होगा कि हाँ 4G से बेटर है, बट इतना बेटर नहीं होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक सेकंड में आपकी मूवी डाउनलोड हो गई या 5 सेकंड में आपने 4 GB की फ़ाइल डाउनलोड कर ली, तो वैसा नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि जितनी अभी हम स्पीड ऑलरेडी हम चला रहे हैं, उससे आप डबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अभी नहीं कर सकते हैं। वो आप तब कर सकते हैं जब mmWave टेक्नोलॉजी आ जाएगी, जिसका मैंने आपको बताया कि 24 टू 28 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड है एंड उससे ऊपर का भी है, डिपेंड करता है गवर्नमेंट किस बैंड पे अलाउ करती है, तो स्पेक्ट्रम जिस पे भी मिलेगा। तो ये फ्रेंड्स लिमिटेशन है एंड ये जो मैंने आपको बताया है, तो आप एक बात समझ लीजिए कि जितना हाई बैंड होगा उतनी अच्छी क्वालिटी होगी, उतना अच्छा उसका डेटा स्पीड होगी, बट उतना ही लो उसका कवरेज होगा, तो ये उसकी लिमिटेशन है। तो mmWave की जो लिमिटेशन है वो यही है फ्रेंड्स कि उसकी जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इतनी ज़्यादा हाई है कि इस वजह से आप समझ लीजिए कि उसमें आपको लाइन ऑफ साइट चाहिए, मतलब स्ट्रेट। अगर आपके बीच में एक वॉल भी आ रही है एंटीना और आपका रिसीवर और ट्रांसमीटर के बीच में, तो भी वो आप समझ लीजिए कि वो सिग्नल नहीं पास कर पाएगा। अगर कॉन्क्रीट की वॉल आ रही है तो वो सिग्नल नहीं पास कर पाएगा। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि अगर बैड वेदर कंडीशन है, मतलब जैसे कि बहुत बारिश हो रही है या बहुत ज़्यादा इस तरीके की कंडीशन है, तो भी वो आपको सिग्नल नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये टोटल मिक्स डिप्लॉय किया जाएगा। तो जो बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी वाली जगह है, जहाँ पे फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा है, जैसे मॉल्स हैं हमारे और स्टेडियम्स हैं, तो वहाँ पे आपको mmWave देखने को मिलेगा, बट आई थिंक उसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा, अभी एटलीस्ट 2 साल तो लगेंगे ही। जो मिड बैंड है हमारा, वो मोस्टली हर जगह डिप्लॉय किया जाएगा, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा सूटेबल है। एंड जो हमारा लो बैंड है वो भी डिप्लॉय किया जाएगा, वो मोस्टली रिमोट एरियाज़ में आएगा कि जिसमें जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं चाहिए बट कवरेज ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए आपका लो बैंड आएगा। तो अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि आजकल जो आप देख रहे होंगे कि 5G स्मार्टफोन आ रहे हैं, लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं उस चीज़ को लेके। तो मैं बता दूं आपको कि जो हमारे 5G स्मार्टफोन आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले अगर आप 5G स्मार्टफोन लेने का प्लान कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो 5G है, तो प्लीज़ आप ड्रॉप कर सकते हैं प्लान को। एंड आप 5G स्मार्टफोन तभी लीजिए जब आपको सही में फ़ोन को चेंज करने की नीड है, क्योंकि इन नियर फ्यूचर अभी हम 5G यहाँ पे नॉर्मल लो बैंड और हाई बैंड या किसी भी बैंड में अभी नहीं देखने वाले हैं। वो सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में लॉन्च होगा। अगर आप मेट्रो में रहते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 साल में आपको नेटवर्क कवरेज मिल जाएगा, बट आप कहीं भी बाहर जाएंगे तो वो आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि अभी डिप्लॉयमेंट में काफ़ी टाइम लगेगा फ्रेंड्स। तो इस वजह से मैं यही कहूँगा कि आप बिल्कुल भी अभी इस टाइम पे जो स्मार्टफोन कंपनीज़ हाइप क्रिएट कर रही हैं कि 5G का फ़ोन है, एंड उसमें भी बहुत सारे कैच हैं। बहुत सारे स्मार्टफोन्स ऐसे हैं जिसमें आप समझ लीजिए कि एक ही बैंड सपोर्ट करता है, जैसे कि आप कुछ स्मार्टफोन हैं जो OnePlus की सीरीज़ के आए हैं, तो उसमें एक ही आपको बैंड सपोर्ट कर रहा है। तो आपको अभी हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट कौन सा, अभी आप जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए 5G फ़ोन के लिए। एंड अगर आप ले भी रहे हैं तो आप ऐसा फ़ोन लीजिए कि जो कि सारे बैंड सपोर्ट कर रहा हो। तो और एक बात आपको मैं और भी यहाँ पे बता देता हूँ फ्रेंड्स कि अभी इंडिया में कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं है जो mmWave टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता हो। यहाँ तक कि आप iPhone 12 सीरीज़ भी देख सकते हैं, तो iPhone 12 सीरीज़ भी mmWave को सपोर्ट नहीं करती है। हाँ, अगर आप US से जाके बाय करते हैं तो वो जो US में आपको iPhone मिलेगा वो आपकी mmWave टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया है एंड मैं खुद भी उसमें डिज़ाइन कर चुका हूँ। अगर आप US से iPhone लेते हैं तो ही वो ऐसा फ़ोन होगा जो कि आपकी सारे बैंड्स को सपोर्ट करेगा। हाँ, इंडिया में जो आपको iPhone मिल रहा है, iPhone 12 सीरीज़ जो लेटेस्ट सीरीज़ है, जो कि 5G सीरीज़ है iPhone एप्पल की, तो उसमें आपको सारे बैंड्स का सपोर्ट ज़रूर मिलता है, बट सब 6 GHz वाले जो। बट अगर मैं आपसे बात करूँ तो अगले 2 से 3 साल आपको मोस्टली यही बैंड मिलेगा। तो जो अभी हमारी टेस्टिंग भी चल रही है वो भी सब 6 वाले में चल रही है, सब 6 GHz वाले बैंड्स की। तो आप कह सकते हैं 2-3 साल के लिए आप आदमी फ़ोन चेंज कर ही देता है, बट आप अगर फ़ोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ आप ये देखिए कि 5G बैंड्स 5G सपोर्टेड है, दैट्स नॉट इनफ। 5G का कौन सा बैंड सपोर्ट कर रहा है, कौन सा बैंड सपोर्ट कर रहा है, ये ज़रूरी है। एंड आपको मैं यही कहूँगा अभी क्योंकि हमें एकदम क्लियर आइडिया नहीं है, तो आप वही हैंडसेट पे जाइए जिसमें सारे ही बैंड सपोर्ट हों। मोस्टली जो आपके फ्लैगशिप्स हैं जैसे कि सैमसंग है, एप्पल है, ये सारे आपको सारे बैंड सपोर्ट करते हैं। एंड कुछ मिड रेंज भी फ़ोन हैं जो जिसमें काफ़ी सारे बैंड्स का सपोर्ट है, तो आप उस पर जाके चूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज़ हो 5G के बारे में या उससे रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसको आंसर करूँगा। एंड अगर आपको इसी तरीके का कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप वो भी आप कमेंट करके मुझे बताइए। सो गाइज, थैंक्स for watching this video and I hope to see you in my next video. Till then, goodbye.